वेलकम टू माय चैनल सिनेमा बातचीत। होप यू ऑल आर कीपिंग अप सेफ। और आज मैं श्रेया आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लस एडवेंचरस मूवी शेयर करने जा रही हूँ। ये बेसिकली एक अमेरिकन फैंटेसी एडवेंचरस मूवी है। इस मूवी का नाम है जंगल क्रूज और इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वॉल्ट डिज्नी। और इस मूवी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं हमारे लीड कैरेक्टर्स, दैट इज ड्वेन जॉनसन एंड एमिली ब्लंट। और इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे सबके सब कैरेक्टर्स जंगल में घुस जाते हैं एक ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए। और इस मूवी में नेचर लवर्स के लिए काफ़ी कुछ है देखने के लिए। और इससे आप इस मूवी को देख के बेसिकली आप लोग जंगल की सैर तो ज़रूर कर लेंगे। और मुझे भी देखने में इसको काफ़ी मज़ा आया। एंड इवन यू कैन एंजॉय दिस मूवी विद योर किड्स। और अब बातचीत को यहीं रोकते हैं और सीधा चलते हैं मूवी की समरी की तरफ। और मूवी की समरी की तरफ बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे चैनल पे हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ अमेजिंग गिव अवेज भी चल रहे हैं जिसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए जंगल सफारी पे चलते हैं सीधा और सुनते हैं समरी ऑफ जंगल क्रूज। मूवी की शुरुआत 16 सेंचुरी से होती है जिसमें एक स्पैनिश एक्सप्लोरर एग्यूरे अपनी टीम के साथ अमेज़ॉन्स के जंगल में टीयर्स ऑफ द मून नाम की चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं। और ये जंगल कोई भूल भुलैया से कम नहीं है। और ये लोग जंगल में होते हैं और अचानक से जंगल के ट्रीज अलाइव हो जाते हैं और जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं और काफ़ी लोग अपनी जान भी खो देते हैं। और एग्यूरे भी काफ़ी इंजर्ड होता है और आंखें खुलते ही उसके सामने ट्राइब्समैन आके खड़े होते हैं और एग्यूरे उनको हील करने को कहते हैं और ट्राइब्समैन उनको हील करने में लग जाते हैं। लेकिन एग्यूरे इज़ अ सेल्फिश मैन एंड अ थैंकलेस पर्सन। वो उनको थैंक यू बोलने के बजाय उस जगह के बारे में पूछता है और उनको की देने को कहता है जो उन ट्राइबल्स के पास है, लेकिन वो देने को मना कर देते हैं और गुस्से में आकर एग्यूरे सभी ट्राइब्समैन को मार डालता है और जिस जगह पर जिस कबीले में वो रहते थे उसको जलाकर राख कर देता है और उनसे चाबी ले लेता है। लेकिन उस ट्राइब्समैन के सरकार ने उनको कर्ज दिया था कि ये सब के सब कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे और हमेशा के लिए इस जंगल में ही फंसे रहेंगे। और अगर गलती से ये लोग यहाँ से बाहर भी निकल गए तो सब के सब पत्थर बन जाएंगे। और ऐसे ही काफ़ी समय बीत जाता है और अब मूवी को प्रेजेंट में दिखाते हैं। और अब दिखाते हैं कि डॉक्टर लिली और उसका छोटा भाई जिसका नाम जैक है वो किसी प्रेजेंटेशन में टीयर्स ऑफ द मून के बारे में बता रहे होते हैं। और यहाँ से ये पता लगता है कि टीयर्स ऑफ द मून एक ट्री है जिसको ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं और जो कि सब इंजरीज, सब बीमारियाँ और कर्स को भी हील कर सकता था और इससे साइंस काफ़ी अच्छी मेडिसिन भी बना सकते हैं। और ट्री को ढूंढने वाले काफ़ी लोग हैं लेकिन इसको कोई भी अभी तक ढूंढ नहीं पाया है और हमको भी इस जगह को और उसकी को ढूंढना होगा। और अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मीटिंग ओवर होने के बाद लिली कई स्टेयर्स चढ़कर ऊपर जाती है और वहाँ एक प्रिंस मिलता है जिसे लिली जल्दबाजी में बात ख़त्म करती है और छुपके से एक रूम में घुस जाती है। और उस रूम में उसको एक ट्रंक मिलता है जिसको खोलते ही उसको एक बॉक्स मिलता है जिसमें लिली को टीयर्स ऑफ द मून की कीज़ मिलती हैं। और कुछ देर बाद प्रिंस लिली को वहाँ से भागते हुए देखता है और इसी भाग दौड़ी में लिली लैडर से स्लिप होकर विंडो पर लटक जाती है और प्रिंस उसको कीज़ रिटर्न करने को कहता है, नहीं तो वो उसको नीचे गिराने की धमकी देता है। तो अपने आप को सेव करने के लिए प्रिंस को वो की का एम्प्टी बॉक्स दे देती है और खुद वहाँ से अपने घर भाग आती है क्योंकि लिली और जैक का मेन मोटिव उस की को हासिल करना ही था और अमेज़ॉन्स के जंगल में जाकर टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढना था। और उधर दिखाते हैं वो प्रिंस खाली बॉक्स को देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और लिली और जैक को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स देता है। अब सीन स्विच होता है फॉरेस्ट की तरफ जहां पर एक गाइड को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक होता है और वो अपनी शिप में सभी ट्रैवलर्स को उस जंगल की सैर कराता था।
और सभी सुंदर सुंदर चीजें दिखाता था और बदले में उनसे बहुत से पैसे लेता था। और तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम नाइलो होता है और जो करीब 3 दिन पहले उसकी शिप में घूम कर गया था और उसे उसके पैसे वापस करने को बोलता है। लेकिन फैंक के पास इतने पैसे नहीं होते, इसीलिए नाइलो उसकी शिप का इंजन लेकर कहीं पर लॉक कर देता है। और तभी फैंक उस रूम की तरफ पहुंचता है जहां पर नाइलो ने उस रूम की को छुपाया था, जहाँ पर उसने फ्रैंक की शिप के इंजन को लॉक करके रखा था, जो फ्रैंक ने छुपके से देख लिया था। और तभी वहाँ दिखाते हैं कि लिली और जैक वहाँ पर नाइलो से मिलने आते हैं क्योंकि उनको भी उसी शिप की इंफॉर्मेशन लेनी थी। और जब लिली वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर फ्रैंक भी होता है और उसको देख कर लिली को लगता है कि वो ऑफिस उसका ही है। लेकिन जब वहाँ पर नाइलो आता है तो लिली और जैक को सच का पता चलता है और वो गुस्से में फ्रैंक की शिप में जाने से मना कर देती है। और फ्रैंक की नज़र लिली के गले पर जाती है जिसमें उसको टीयर्स ऑफ द मून की दिखती है। तो बहुत ट्राई करता है कि वो लिली को कन्विंस करे। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि लिली वहाँ से जाए और उसके साथ ही उसी की शिप पर जाए। और इसीलिए वो लिली को ऑफर भी देता है कि मैं तुमसे बहुत कम पैसे चार्ज करूँगा, लेकिन लिली नहीं मानती। और लिली वहाँ से निकलने ही वाली होती है कि अचानक से वहाँ पर एक लेपर्ड आ जाता है और सब लोग वहाँ से डर के भागने लगते हैं। लेकिन फ्रैंक उससे ब्रेवली लड़ता है, जिसे लिली काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो फ्रैंक के साथ ही जाएगी। और फ्रैंक अपनी शिप का इंजन ले चुका था और अब वो साथ में शिप को वहाँ से निकालने ही वाले होते हैं कि अचानक कुछ आदमी आ जाते हैं जिसको प्रिंस ने भेजा होता है लिली से की लेने के लिए। और वो लोग लिली को एक केज में बंद कर देते हैं, लेकिन लिली काफ़ी चालाक होती है तो वो लॉक खोलकर सबके मुंह पर लात मारते हुए वहाँ से भागती है। और फ्रैंक भी उसके पीछे भागता है और पानी में कूदकर उसको अपने साथ आने को बोलता है। लेकिन लिली को वाटर फोबिया होता है तो वो रोप की हेल्प से फ्रैंक की शिप तक पहुँचती है। और तभी वहाँ पर प्रिंस भी आ जाता है जो अपनी सबमरीन में होता है और उनकी शिप पर फायरिंग करना स्टार्ट करता है। लेकिन फ्रैंक किसी तरह अपनी शिप को बचाता हुआ आगे निकल जाता है और वहीं पर प्रिंस का सबमरीन फंस जाता है। और आगे जाकर वो लोग अपना शिप रोक देते हैं और रात के लिए फ्रैंक सबके लिए फिशेस कैच करता है जो वो लोग रात को डिनर में खाते हैं। और थोड़ी देर में जैक लेपर्ड से डरता हुआ बाहर आता है, जो पहले हमने नाइलो के ऑफिस में देखा था। बट फ्रैंक उसको काम डाउन होने को कहता है क्योंकि वो लेपर्ड उसका ही पेट है, जिसको सुनकर लिली काफ़ी गुस्से में आ जाती है कि फ्रैंक ने अपनी शिप में लाने के लिए ये सब प्लानिंग करी थी। और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि प्रिंस अपनी पूरी टीम के साथ किसी केव में जा रहा होता है और उस केव में उसको अगोयर और उसकी टीम दिखती है जो अब उस कर्स की वजह से पत्थर के बन चुके थे और पिछले 400 सालों से वो ऐसे ही थे। और प्रिंस उनसे बात करने की बहुत ट्राई करता है और तभी उसमें से 2 स्नेक्स निकल कर आते हैं और प्रिंस उन स्नेक से डील करता है कि हम तुम सबको जिंदा कर देंगे रिवर के पानी डालकर, लेकिन तुम हमें ट्री ऑफ लाइफ ढूंढ कर दोगे। और प्रिंस उन सब पर पानी की बारिश कर देता है और सब जिंदा हो जाते हैं। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि फ्रैंक और लिली की शिप काफ़ी ख़तरनाक सी जगह पहुंचती है और काफ़ी तेज़ स्टॉर्म आने लगता है और शिप एक वाटरफॉल से नीचे गिरने ही वाली होती है। लेकिन फ्रैंक अपनी शिप को कैसे भी करके बचा लेता है, लेकिन इस बीच में शिप को काफ़ी डैमेज आता है और उसको रिपेयर करने के लिए सेफ जगह पर रोकता है और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर अपनी शिप को रिपेयर करता है। तभी हम देखते हैं कि लिली फ्रैंक के सीक्रेट केबिन में है और उसको वहाँ पर एक बुक मिलती है जिसमें टीयर्स ऑफ द मून के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इससे ये भी पता लगता है कि फ्रैंक भी इसको काफ़ी समय से ढूंढ रहा है। और तभी फ्रैंक वहाँ आता है और लिली उसको बोलती है कि तुमने हमें यूज़ किया है, हमारे साथ तुम्हें भी टीयर्स ऑफ द मून मिल जाएगा। बट फ्रैंक उसको बोलता है कि मिलना होता तो पता नहीं ये मुझे कितने साल पहले मिल जाता। तो लिली उसको कहती है कि इस बार मिल जाएगा क्योंकि आई हैव द की। और तभी शिप पर बहुत तेज़ से कोई आवाज़ आती है और जब वो चेक करते हैं तो उन सब की नेक पर आकर एक एरो लग जाता है, जिसके कारण वो सब के सब बेहोश हो जाते हैं। और जब वो होश में आते हैं तो उनके हाथ बंधे होते हैं और उनको ट्राइब्समैन ने अपने कबीले में कैद कर लिया होता है।
फ्रैंक ट्राइब्समैन की लीडर से लोकल लैंग्वेज में बात करता है और उनको छोड़ने को कहता है, लेकिन वो उनको नहीं छोड़ती। और तब फ्रैंक लिली को उनको वो की रिटर्न करने को कहता है, लेकिन लिली उसको साफ इनकार कर देती है और फ्रैंक को उनकी लैंग्वेज में समझाने को बोलती है। और थोड़ी देर में लिली अपने हाथ खोलकर उन पर अटैक कर देती है। ये देखकर ट्राइब्समैन की लीडर अपना मास्क हटाती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और फ्रैंक को बोलती है कि तुमने तो हमें बोला था, ये डील की थी कि कोई भी हमें हार्म नहीं करेगा, लेकिन ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है। और अब यहाँ से ये पता चलता है कि ये लोग भी फ्रैंक से मिले हुए हैं, और जिससे लिली और भड़क जाती है और फिर वो ट्राइब्समैन उसे वो की ले लेते हैं और वो उनको जो भी की पर लिखा होता है उसको पढ़कर बताती है एंड इवन मैप में वो जगह भी बताती है कि वो कहाँ है। और तब लिली वहाँ से अकेले ही जाने का डिसाइड करती है क्योंकि अब वो फ्रैंक पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती। वो फ्रैंक को उसके पैसे देती है और वो कहती है कि मैं वहाँ से जा रही हूँ। तभी वहाँ पर एगोयर आ जाता है और उसकी टीम भी आ जाती है जो कि काफ़ी अजीब लग रहे होते हैं। एगोयर के फेस से स्नेक्स निकल के आ रहे थे, कुछ लोगों की बॉडी में बहुत सारी मधुमक्खियाँ थी और किसी की पूरी बॉडी में रूट्स आई हुई थी। ये लोग आधे जिंदा और आधे मुर्दा थे और ये सब कबीले के लोगों पर अटैक करना शुरू करते हैं और जिससे इनके बीच में लड़ाई होने लगती है क्योंकि उनको तो बस लिली से वो की लेनी थी। और इसी बीच में फ्रैंक के हाथ में वो की लग जाती है, लेकिन उसको स्वॉर्ड लग जाता है जिसके कारण वो नीचे गिरता है और वो की लिली की तरफ फेंकता है। और कबीले की क्वीन लिली और उसके भाई को वहाँ से भागने को कहती हैं और ऐसी जगह जाने को कहती हैं जहाँ पर रिवर का पानी ना हो क्योंकि इससे एगोयर और उसकी टीम फिर से पत्थर के बन जाएंगे। लिली काफ़ी दुखी होती है क्योंकि उसको लगता है कि फ्रैंक मर चुका है, लेकिन तभी उसको वहाँ पर फ्रैंक की बॉडी मिलती है और वो ज़िंदा होता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसकी बॉडी से ब्लड नहीं आ रहा होता। बट वो लिली को पहले उसके अंदर से वो स्वॉर्ड निकालने को कहता है। इन सब में लिली के भाई के लेग में फ्रैक्चर हो जाता है तो वो उसको वहीं पर कबीले वाले लोगों के साथ रेस्ट करने को कहती है और वो फ्रैंक के साथ आगे जाती है। और जंगल से मधुमक्खियां प्रिंस के पास जाती हैं और उसके मैप पर बैठकर इंडिकेट करती हैं कि की अभी भी लिली के पास है और किस एरिया में है। वहीं हम देखते हैं कि फ्रैंक लिली को बताता है कि वो अमेज़ॉन्स के जंगल में पिछले 400 सालों से घूम रहा है। मैं यहाँ पर एगोयर के साथ ही आया था और एगोयर की एक बेटी थी जिसको काफ़ी ख़तरनाक बीमारी हो गई थी और उसको हील करने के लिए वो इस ट्री को ढूंढने के लिए इस जंगल में आए थे और काफ़ी समय तक ट्री को ढूंढते रहे थे लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला और धीरे धीरे हम सब मरने लग गए थे और फिर हमें इन ट्राइब्समैन ने हील किया था। लेकिन एगोयर के मन में लालच आ चुका था और उसको बस वो की चाहिए थी ताकि वो टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंच सके। लेकिन जब कबीले वाले लोगों ने उसको वो की देने से मना कर दी तो एगोयर ने गुस्से में आकर उन सबको जलाकर मार दिया, जिससे हम सबको ट्राइब्समैन के हेड ने ये कर्ज दिया कि हम इस जंगल से कभी भी बाहर नहीं जा सकेंगे और अगर गलती से बाहर निकले भी तो हम सब पत्थर के बन जाएंगे। इसीलिए मैं भी पिछले 400 सालों से यहीं भटक रहा हूँ और लोगों को जंगल में अपना मन बहलाने के लिए घुमाता रहता हूँ। और वहीं पता लगता है कि जैक को प्रिंस ने पकड़ लिया है और अपनी जान बचाने के लिए जैक को प्रिंस को रास्ता बताना पड़ता है। और वहाँ पर फ्रैंक और लिली ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच चुके होते हैं लेकिन वहाँ सब जगह पानी होता है और जैसे हमें पता है कि लिली को वाटर फोबिया है तो ये सुनकर वो काफ़ी घबरा जाती है। लेकिन फ्रैंक उसको अपनी बैग पर बिठा कर ले जाता है और उसको हिम्मत देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब वो नीचे पानी में होते हैं तो लिली का पैर कहीं ऐसी जगह पर लगता है जिससे वो एक केज में बंद हो जाती है और लिली काफ़ी पैनिक करती है। तब फ्रैंक उसको काम करता है और उसको माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देता है और बहुत स्ट्रगल करके लिली वो लिवर को पुल करती है जिसकी वजह से पानी का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन तब तक लिली फेंट हो गई थी। फ्रैंक उसको वापस होश में लाता है और आंखें खोलते ही उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो उन बुक्स में ही घुस गई हो क्योंकि उसके सामने वो सब चीज़ें वैसी ही थी जो उसने बुक्स में देखी थी और फाइनली उन्होंने उस ट्री को भी ढूंढ लिया था।
और अब लिली फ्रैंक से बातें ही कर रही होती है कि वहाँ पर प्रिंस भी पहुँच जाता है और वो जैक पर गन पॉइंट करके लिली को कीज देने को कहते हैं। लेकिन तब लिली और फ्रैंक ये डील करते हैं कि उस ट्री की एक लीफ एक फ्लावर हमें भी दोगे, और प्रिंस ये मान जाता है, लेकिन वो उनको सब हर्डल्स क्रॉस करने को कहता है जो भी रास्ते में आएंगे। और जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा सा और सुंदर सा पत्थर होता है जो अंदर से खाली था और उसमें कुछ लिखा हुआ था जो फ्रैंक नहीं पढ़ पा रहा था। इसीलिए फ्रैंक लिली को अंदर बुलाता है और लिली उसको रीड करने का ट्राई करती है और वो प्रिंस से की देने को कहती है क्योंकि उसके ऊपर एक ब्रोकन हार्ट का मार्क था। और जब वो उस की को उस ट्री पर लगाते हैं तब भी वो ट्री ब्लूम नहीं करता। उनको ये पता चलता है कि वो ब्रोकन हार्ट को भी ब्रेक करना होगा जिसके अंदर से एक हार्ट शेप स्टोन मिलता है। और जैसे ही वो उसको उस ट्री पर लगाते हैं वैसे ही वो ट्री ब्लूम करने लगता है, क्योंकि उसी समय वहाँ पर मूनलाइट भी पड़ रही थी और ट्राइब्समैन ने कहा था कि ये ट्री को मूनलाइट भी चाहिए होता है तभी ये ब्लूम करेगा, नहीं तो ये नहीं कर सकता। और अब प्रिंस लिली को सबसे पहले आगे भेजता है और अपनी टीम को भी उसके साथ जाकर फ्लावर्स को ब्रेक करने को कहता है। लेकिन तभी मूनलाइट कम होने लगती है और ट्री भी ब्लूम होना कम होने लगता है और फ्रैंक जिसके हाथ बंधे हुए थे वो सबको मारने लगता है और आगे बढ़ता है और लिली रोप की हेल्प से ट्री के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे मूनलाइट कम होने लगती है सब फ्लावर्स मुरझाने लगते हैं और लिली के हाथ में बस एक ही फूल लगता है और नीचे से प्रिंस बहुत चिल्लाने लगता है कि ये फूल मुझे दे दो। लेकिन लिली ये फूल नीचे फ्रैंक को दे देती है और तभी वहाँ पर एगोयर और उसकी टीम भी आ जाते हैं और ये सब कुछ देखकर गुस्से में आकर वो लिली को जान से मारने की कोशिश करते हैं। तो फ्रैंक एगोयर को फूल दिखाता हुआ चेस करता है और वो सब फ्रैंक के पीछे भागते हैं और उससे पहले वो लिली और जैक और अपने लेपर्ड को एक सेफ जगह पर उतार देता है और अपनी शिप में आगे जाता है। और एगोयर फ्रैंक की शिप के पीछे लगा होता है और वो काफ़ी गुस्से में होता है और प्रिंस के ऊपर तो एक पत्थर गिर जाता है जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जैक लिली को एक क्लॉथ में लिपटा हुआ वही फूल देता है जो फ्रैंक ने जाने से पहले जैक को दे दिया था। ये देख कर लिली काफ़ी इमोशनल हो जाती है कि पहले तो उसने उसकी जान बचाई और उसको वो फूल भी दे दिया और खुद अपने पीछे एगोयर और उसकी टीम को लगा लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रैंक की शिप क्रैश हो जाती है और सभी ट्रीज में फिर से जान आ जाती है। ये वही जगह होती है जहां पर एगोयर के लोग पहले भी पत्थर बन गए थे और अब फिर से सबके सब पत्थर बन जाते हैं। और जब लिली वहां पहुंचती है तो फ्रैंक को वैसे देखकर काफ़ी अपसेट होती है और उसके फेस को टच करती है लेकिन वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। और वो फ्लावर जिसके लिए उसने इतना स्ट्रगल किया था वो फ्रैंक के मुंह में रखती है लेकिन वो तभी भी चेंज नहीं होता, जिससे वो काफ़ी होपलेस हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी फ्रैंक का लेपर्ड बहुत तेज से रोर करने लगता है और जब लिली वापस जाकर देखती है तो फ्रैंक की बॉडी से सब लीव्स और पत्थर हट चुके होते हैं और उसकी बॉडी से ब्लड भी आ रहा होता है। इट मींस कि अब फ्रैंक कर्स से फ्री हो चुका था और अब काफ़ी खुश होकर वहाँ से निकलने लगते हैं कि तभी उनकी नज़र ट्री पर जाती है जिस पर एक और फूल होता है जिसको लिली तोड़कर अपने साथ ले जाती है जिससे उसको मेडिसिन बनानी होती है। और आगे दिखाते हैं कि मेडिसिन काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं और लिली और जैक काफ़ी फेमस भी हो जाते हैं। लिली फ्रैंक को इस न्यू वर्ल्ड में रहना सिखा रही होती है और उसको ड्राइविंग सिखाती है और पीछे उनके साथ लेपर्ड भी बैठा होता है और तीनों लंदन की रोड्स पर काफ़ी इंजॉय करते दिखाई देते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस ज़रूर करें और हमारे चैनल पर लकी 5 सब्सक्राइबर्स के लिए अमेजिंग अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर्स भी चल रहे हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।